लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और खबरों की शुरुआत करने से पहले नजरें डाल देते हैं आज की सुर्खियों पर। कोलकाता पहुंचे अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस ने बड़ा बाजार में निकाली भिक्षा यात्रा। शंकर सिंह बने पीएससी के चेयरमैन, टीएमसी में आने के बाद मिली जिम्मेदारी। और हुगली पहुंचा ब्लू व्हेल का खूनी जबड़ा, दसवीं के एक छात्र को स्कूल शिक्षक ने बचाया। शुक्रवार को कोलकाता के बड़ा बाजार के रविंद्र सरणी इलाके में कांग्रेस के द्वारा एक भिक्षा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कांग्रेस नेता राजीव सिन्हा की अगुवाई में निकाली गई। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बंगाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्री पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोलकाता के बड़ा बाजार के रविंद्र सरणी इलाके में कांग्रेस द्वारा एक भिक्षा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के नेता राजीव सिन्हा कर रहे थे। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर इलाके के व्यवसायियों से बाढ़ पीड़ितों के लिए भिक्षा मांगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं, जिसकी जो इच्छा होगी वो देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है। देखिए, हम भीख मांगने आए हैं, क्या मिलेगी एक मैं कैसे कह सकते हैं। हालांकि इनके दिल में अगर उधार है तो ज़्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो हम बाढ़ पीड़ित लोगों के पास पहुंचा देंगे। हमारा मकसद है ये कि जो भी मिले हम बाढ़ पीड़ित लोगों को ये सामान पहुँचा दें। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक मनोज चौधरी, राजीव सिन्हा सहित कई बड़े कांग्रेस के नेता उपस्थित थे। हमेशा से एक इतिहास रहा है कि बड़ा बाजार जिला, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के मजदूरों ने बंगाल को आगे बढ़ाने में अपना खून पसीना लगाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता आज बड़ा बाजार जिला में आ रहे हैं, और उनको देखते हुए हमारे पूरा विश्वास है कि हर व्यवसायी हमें मदद करेंगे। तो जो भी मदद करेंगे वो आम नागरिक तक पहुँचेगी। जो लोग बाढ़ में बच्चे आज माँ से बिछड़ गए हैं, ना जाने कितने लोग मारे गए हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही इससे अवगत नहीं है कि उनको क्या मदद पहुंचाना है। ये कांग्रेसी कल्चर ही है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हमेशा आगे बढ़ के बाजार में आते हैं, लोगों से दान मांगते हैं, भिक्षाटन करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल पोस लेते हैं, पर उन्हीं 10 बच्चों में से एक भी माँ बाप को नहीं पालते। कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया है मालदह जिले में, जिसे देख कर आपको तो दुख होगा, पर उसके खुद के बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी मिलने के बाद अपने ही वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया एक बेटे ने। एक नहीं बल्कि कई तरह के अत्याचार करता था उस माता पिता के साथ उस बेटे ने। घर से बेदखल हुए मजबूर माता पिता की हालत इस वक्त यह है कि वो सड़क पर भीख मांग रहे हैं। ये मामला है मालदा के मौथाबाड़ी थाना इलाके के बंगी टोला की। तैमूर शेख और उनकी पत्नी नूर नहार बीवी के 3 बेटे हैं। दोनों बेटों की हालत पहले से ही खराब है, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं। मझला बेटा सोहिल राणा राय को करीब 6 महीने पहले ही शिक्षक की नौकरी मिल गई, और तब से ही उसे उसके माँ बाप और दोनों भाई भारी पड़ने लगे। दोनों भाइयों ने तो चलो अपना रास्ता देख लिया, पर माँ बाप जाए तो कहाँ जाए। हर दिन सोहेल इन पर अत्याचार करता व मारता पीटता। थक हार कर अब सोहेल के माता पिता थाने व अदालत के चक्कर काट रहे हैं। दुखजनक बेपार समाज के वृद्ध बाबा माँ के और ऐले खूब कष्ट मानस कर प्राइमरि टीचार कर लैंड फैंड छो सब गंगार गर्भे चले ग मानुष कर देवार पर प्राइमरि टीचार हो गए 6 मास अत्याचार कर मारधर कर खेते दिना के थकते दिना आइए सुनते हैं उस दंपति की दास्तां, जिन्हें उसके खुद के बेटे ने ही कहीं का ना छोड़ा। 3 ऐले आछे, 2 ऐले मूर्ख जोन खेटा खाय, 1 ऐले आमि मानुष करेछि सार्टिफिकेट दिया ओके, 1 प्राइमरि स्कूलेर मास्टर हयेछि, 6 मास हलो चाकरि पावा, ओ दुदिन थेके आमाके आर बाड़िते राखते चाइछे ना, अन्य कुछ अत्याचार करे, फेर बोलछे तुई भागबि ना, आर घरे ताला मारछे।
फिलहाल पुलिस सुपर के पास ये आवेदन कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। वृद्ध माता पिता अभी अस्वस्थ है, ऊपर से बेटे का अत्याचार, अपने आंसू ये खुद छिपाने को मजबूर है। रिजर्व बैंक के बयान के बाद जहां नोटबंदी पर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, उससे महानगर भी अछूता नहीं है। इसी मुद्दे पर लाइव कोलकाता की टीम ने 24 नंबर वार्ड की पार्षदा एलोरा शाह से उनकी प्रतिक्रिया ली। बीजेपी को भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा, 19वें देखिए क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि आम जनता में वो लोग इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल के तो आए हैं, लेकिन अभी ये झूठ तो पूरा प्रूव होते जा रहा है। देखिए नोटबंदी को लेके कल ही आप लोग देखा है जो नोट काला धन वापस लाने के लिए जो नोट को कैंसिल किया गया, रातों रात आदमी को इतना परेशानी में डाल दिया, पूरा देश में एकदम अनबन मच गया, उसका रिजल्ट तो पूरा जीरो है, टोटली फ्लॉप शो। नोटबंदी हो गया, उसके बाद वो आ गया ये जीएसटी को लेकर। जीएसटी जो लाया है आइडिया हम नहीं बोलेगा एकदम ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए। आप पहले आपका पास रुपया नहीं है, आप अगर करोड़ों का मकान खरीदने जाएगा कैसे खरीदेगा, बात थोड़ा सा ऐसा ही है। सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम ने एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल के कई जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। रेलवे पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला और मैंने खुद रेलवे के कई अधिकारियों से इसे निपटने की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैंने एनएच मुद्दे पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी खुद पर्सनली बात की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैंने खुद राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्दे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री से बातचीत की है। যেগুলো জেলা পরিষদের বা রাজ্য সরকারের সেগুলো যেমন সেরকম, যেগুলো জাতীয় সড়কের সেই ব্রিজ কালভার্ট রাস্তা রাস্তার পাড় বাঁধ সবটাই খুব খারাপ অবস্থায় আছে। আমি নিজে এই বন্যার মধ্যে যখন বন্যা ত্রাণের মধ্যে ব্যস্ত, রাজ্য সরকার যেহেতু বন্যা ঘোষণাই করে নাই, সেজন্য আমি নিজে দিল্লিতে ছুটে গেছিলাম একদিনের জন্য, একদিকে রেল চলাচল যাতে স্বাভাবিক করা যায়। আখিরকার হলদিয়া নগর নিগমে ভি তৃণমূল নে আপনা কব্জা জমা লিয়া और देव प्रसाद मंडल को इसका चेयरमैन बनाया गया। हालांकि यहां भारी मतों से शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है और ये पहले से ही तय था कि कहीं ना कहीं देव प्रसाद मंडल को इसका जिम्मा दिया जाएगा, क्योंकि देव प्रसाद मंडल के साथ शुभेंदु अधिकारी की काफी जमती है। দেখুন এটা আমাদের হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে রয়েছে যৌথভাবে, এই কাজ এই পরিকল্পনা করে কাজটা সম্পন্ন। दुनिया भर में सुसाइड के लिए मजबूर कर देने वाला मशहूर ब्लू व्हेल गेम इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां देखो वहां ब्लू व्हेल की वजह से सुसाइड की खबरें, मैसेज और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस गेम के प्रभाव से एक और बच्चे को बचा लिया गया। यह घटना घटी हुगली जिले में। देश और दुनिया में मौत के खेल के नाम से मशहूर ब्लू व्हेल गेम ने बंगाल में तो दस्तक दे दी और हर दिन कहीं न कहीं इसकी खबर आ ही जाती है। सिलीगुड़ी और मालदा के बाद अब खबर आ रही है हुगली से। इस गेम को खेलने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद चारों ओर खलबली मची हुई है। खतरनाक गेम ब्लू व्हेल के चंगुल से बच निकला एक 10वीं कक्षा का छात्र। महेश रामकृष्ण आश्रम में 10वीं का छात्र है अर्घ भट्टाचार्य। ये बाली के 17 नंबर कैलाश सिंह रोड का निवासी है। गुरुवार को अर्घ अपने क्लासरूम में ही ब्लू व्हेल गेम को खेल रहा था, तभी शिक्षक की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अर्घ को रोककर पूछताछ की। इसके बाद छात्र के माता पिता को स्कूल बुलाया गया पूछताछ के लिए, पर उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि उसका बेटा ब्लू व्हेल गेम के चंगुल में फंस चुका है। फिलहाल छात्र को तो बचा लिया गया, पर न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जिन्हें ये भी पता नहीं कि उसका बेटा मोबाइल पर क्या कर रहा है। फिलहाल मामले की जानकारी श्रीरामपुर थाने की पुलिस को दी गई है। তার হাতে কি দাগ রয়েছে, রিসেন্ট যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে মোবাইল সংক্রান্ত, সবাইভাবেই যে স্যার ছিলেন তার
তার কাছে যান, হাতে ওই ধরনের যে সিম্বল দেখেন তাকে ইনিশিয়ালি কিছু কোয়ারি করেন, তার সঙ্গে কোয়ারি করে জানা যায় এবং তার হাতে সিম্বলটা দিকে বলতে যায় যে অ্যাজ পার হিস ভার্সন সে ইলেভেন পর্যন্ত তা খেলছে। আইয়ে দেখ লেতে হ্যাঁ বঙ্গাল কি কুছ অন্য বড়ি খবরেন। हावड़ा में एक पंडित अपनी पत्नी की साड़ी से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर अपने 2 वर्ष के बेटे के साथ पूजा करने चला गया। यह घटना नाजीरगंज थाना अंतर्गत पंचानंतल्ला इलाके में घटी। पुलिस ने अभियुक्त और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का नाम गौतम भट्टाचार्य है। पुलिस के मुताबिक गत 4 साल पहले पेशे से पंडित गौतम की शादी हुगली के श्यामपुर की रहने वाली सुष्मिता से हुई थी। उनके एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद उसे पता चला कि उसके पति गौतम का किसी से अवैध संपर्क है। इसे लेकर दोनों के बीच रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगे। गत बुधवार की रात को भी इस तरह के झगड़े के कारण आरोप है कि गुरुवार को सुष्मिता पर जानलेवा हमला किया गया। उसके सिर पर एक भारी धारदार हथियार से हमला किया गया। इसके कारण वह बेहोश हो गई और बाद में उसके साड़ी से उसका गला घोंट दिया गया। इसके बाद वह अपने बेटे को लेकर मंदिर में पूजा करने चला गया। पुलिस ने बताया कि सुष्मिता के परिवार वालों ने नाजीरगंज फाड़ी में इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत के आधार पर गौतम और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेरे थी? तो हावड़ा के उलबेड़िया में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उलबेड़िया के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से एक स्कॉर्पियो कोलकाता से बांकुड़ा के रायपुर जा रही थी, तभी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इसमें घटना स्थल पर ही रूपेन सोरेन नामक 54 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत उलबेड़िया थाने को दी, जिसके जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उलबेड़िया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धमकियां मिल रही थी, पुलिस को दी गई थी जानकारी, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3 तलाक की लड़ाई लड़ने का खामियाजा मानो उसे ही भुगतना पड़ा हो। सिर्फ चंद घंटे के लिए इशरत जहां को लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। हावड़ा के पिलखाना की रहने वाली इशरत जहां के 2 बच्चे गुरुवार शाम को अचानक लापता हो गए। यह खबर सुनते ही हावड़ा सिटी पुलिस व हावड़ा की मीडिया दोनों ही सतर्क हो गए। हर किसी की नजर गोलाबारी थाने पर थी। इस मामले की शिकायत करने पहुंची इशरत और उसके वकील नाजिया इलाही खान का आरोप था कि कोलकाता में रह रहे उसके पति ने उसके दोनों बच्चों का अपहरण करवाया है। किडनैप हुआ है ये तो इशरत ही बताएंगी, क्योंकि इशरत का फोन मेरे पास 11:30 बजे आया था, 11:38 में। तब से मैं कंटिन्यूसली इसके साथ कॉन्टेक्ट में हूँ। मैंने 2 महिलाओं को यहाँ पर भेजा था जो महिला समिति से हैं, और उसके बाद वो स्टिल उनके साथ अभी तक है और इन लोगों ने काफी हेल्प किया इसका। अभी जो भी है वो पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इसका सपोर्ट करते हैं। इशरत की वकील नाजिया इलाही का कहना था कि दोपहर में पिलखाना के नंदी घोष रोड इलाके से इशरत के 2 बच्चे 13 वर्षीय साहिबता खातून और 7 वर्षीय जावेद गुरुवार को अपने पड़ोसी व ताऊ के बच्चों के साथ खेल रहे थे। कुछ समय के बाद जब इशरत उन्हें खोजने लगी तो पता चला कि दोनों बच्चे गायब हैं। घटना 11 बजे के बाद मेरे बच्चे नहीं मिले। जब मैंने गई चारों तरफ देखा, पास पड़ोस में देखा, कहीं मेरे बच्चे नहीं थे। जब अपनी जेठानी से पूछा तो बोले कि बच्चे को भगा दिए, इसी के पीछे मेरा जेठ और जेठानी का हाथ है और मुर्तुजा का भी हाथ है, उसके बाप का भी। मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, अगर मेरे बच्चे को कुछ होता तो उसका जिम्मेदार किसकी है। उसने तुरंत इसकी जानकारी अपने वकील को दी। थाने में पहुंची वकील ने इशरत के पति मुर्तजा और उसकी मौजूदा पत्नी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। इधर इशरत का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उसे धमकियां मिल रही थी, परंतु कुछ देर में पता चला कि उसके गायब हुए दोनों बच्चे तो ईद की शॉपिंग के लिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार इशरत की शिकायत पर जब मामले की छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि उसके बच्चों का अपहरण नहीं हुआ है बल्कि उसके बच्चे अतिरिक्त स्मार्ट हैं और वे ईद के लिए अपने पिता के साथ शॉपिंग में चले गए। इसके पहले वे अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ बर्दवान चले गए थे। इशरत का कहना है कि 2 साल पहले उसके घर की बिजली व पानी के कनेक्शन को भी काट दिया गया था, परंतु इलाके के विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला के सहयोग से घर में बिजली व पानी 2 दिन पहले ही वापस आए हैं। गौरतलब है कि साल 2014 में इशरत के पति ने दुबई से फोन पर इशरत को तलाक 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 बोलकर उसे तलाक दिया था। उसके बाद उसने अपनी लड़ाई शुरू की और अपनी तरह 4 और महिलाओं के साथ मिलकर अपनी याचिका को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाया। इशरत जैसी महिलाओं की मेहनत और उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को अवैध घोषित कराया। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएससी का नया चेयरमैन पुपर्स कैंप के विधायक शंकर सिंह को बनाया गया। गुरुवार को इसकी घोषणा की गई। शंकर सिंह को चेयरमैन बनाए जाने को लेकर भी नया तर्क शुरू हो गया है। मालूम हो कि शंकर सिंह हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे में उन्हें पीएससी का चेयरमैन नियुक्त करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।